नमस्कार दोस्तों, मैं शशांत सिंह ट्रेंडिंग न्यूज़ में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई दिनों से सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट वायरल हो रही हैं रतन टाटा जी को लेकर, सोशल मीडिया, ट्विटर पे। तो आज हम रतन टाटा जी के बारे में कुछ बातें जानेंगे जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ और उसके कुछ सालों बाद उनके माता पिता का तलाक हो गया और वो लोग अलग हो गए। बाद में रतन टाटा जी को उनकी दादी नवाजबाई टाटा जी ने संभाला था और वो अपनी एजुकेशन करने के लिए अमेरिका चले गए। उसके बाद उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और अपना फैमिली बिजनेस संभालने के लिए इंडिया आ गए और उन्होंने टाटा ग्रुप को एक अलग ही ऊँचाइयों पर ला के रख दिया। आज टाटा ग्रुप्स में 100 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं जो 100 से भी ज़्यादा देशों में काम करती हैं। इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी रतन टाटा जी आज भी अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आज भी उनके लिए खुद से पहले देश आता है। आज मैं आपको रतन टाटा की ज़िंदगी की कुछ ऐसी कहानियाँ बताऊँगा जो आपको रतन टाटा जी की असली पहचान करा देगी। क्या आपको पता है, लैंड रोवर और जैगवार जैसी लग्जरी कार कंपनी को खरीदकर रतन टाटा जी ने अपने टाटा ग्रुप्स में शामिल किया गया है। लैंड रोवर कंपनी खरीदने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हुआ कुछ यूँ, जब टाटा ने इंडिका कार को लॉन्च किया तो लोगों से उनको बहुत ख़राब रिस्पांस मिला और कंपनी लॉस में चलने लग गई थी। तब शेयर होल्डर ने डिसाइड किया कि कंपनी को बेच देना चाहिए। तब ना चाहते हुए भी रतन टाटा जी US फोर्ड से मीटिंग करने के लिए गए। मीटिंग चल रही थी और बीच में ही फोर्ड ने टाटा से कहा, जब आपको कार्स की इतनी नॉलेज नहीं है तो आपने इस कार के लोन में इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा, इस कंपनी को खरीदकर हम आप पे एहसान कर रहे हैं। फिर रतन टाटा जी ने कंपनी को बेचने से मना कर दिया और भारत लौट आए और लौटकर इतनी मेहनत करी और टाटा मोटर्स को फिर से प्रॉफिट में ला दिया। उस समय फोर्ड की दोनों लग्जरी कार कंपनी लैंड रोवर और जैगवार दोनों घाटे में चल रही थीं। रतन टाटा जी फिर US गए और दोनों लग्जरी कार कंपनी इसको खरीद लिया। रतन टाटा जी इस बात को मानते थे कि अपने अपमान का बदला अपने काम से लेना चाहिए और उन्होंने फोर्ड से अपने अपमान का बदला बहुत ही शानदार तरीके से लिया। 26 नवंबर 2008 ये दिन भारत के साथ साथ रतन टाटा जी के लिए भी बहुत ही ख़राब दिन था। अगर आपको पता होगा तो इस दिन मुंबई महाराष्ट्र में आतंकी हमला हुआ था और उन आतंकवादियों ने मुंबई के आइकॉनिक ताज होटल पर भी हमला कर दिया था और ये ताज होटल रतन टाटा जी का ही है। जब ये हमला हुआ तो आतंकियों ने होटल के गेस्ट, कर्मचारी और कई सारे लोगों पर गोलियाँ चलाईं और कई सारी जानें चली गईं और बाद में उन आतंकियों को पकड़ लिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन यह सब होने के बाद रतन टाटा जी अपनी टीम के साथ काम पर लग गए। उस हादसे में जिनको भी चोट आई थी उन सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया और उस हादसे में जिन भी कर्मचारियों की मौत हुई थी उनको एज ए कंपनसेशन 5 से 10 लाख रुपए दिया गया। इतना ही नहीं, उनके परिवार को उनकी लाइफ की पूरी सैलरी दी, उनके बच्चों की पढ़ाई, जॉब्स, यहाँ तक कि शादी का सारी व्यवस्था भी रतन टाटा जी ने करके दी। ये सब चीज़ें तो दिल छूने वाली हैं ही, लेकिन इतना ही नहीं, उनके होटल के आसपास जितने भी चाय की दुकान, पान की टपरी, छोटे मोटे व्यवसाय करने वालों को जो नुकसान हुआ था उनके पूरे हॉस्पिटल का खर्चा रतन टाटा जी ने ही दिया था और उनकी दुकानों का जो टूट फूट का नुकसान हुआ था वो सब रतन टाटा जी ने सही करा के, ठीक करा के दिया था। और ये सब सिर्फ 20 दिनों में हुआ था, सिर्फ 20 दिनों में। आज भी हम देखते हैं कई केसेस में किसी व्यक्ति को अगर सरकार से कोई मुआवजा लेना हो तो उस मुआवजे के लिए उसको 10-11 साल लग जाते हैं। लेकिन एक तरफ रतन टाटा जी हैं जिन्होंने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नुकसान को मात्र 20 दिन में क्लियर कर दिया था। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पैसों पर बहुत घमंड होता है, लेकिन रतन टाटा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। रतन टाटा जी अपनी कमाई का 65% हिस्सा दान कर देते हैं और इसके अलावा देश में अगर किसी भी तरह की आपदा आ जाए तो करोड़ों रुपए से मदद करते हैं और इसीलिए रतन टाटा जी देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं हैं। एक बार एक रिपोर्टर ने रतन टाटा जी से पूछा था, आपके होते हुए भी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अम्बानी जी हैं, ऐसा क्यों है? तब रतन टाटा जी ने उस रिपोर्टर को बड़े ही प्यार से जवाब दिया था कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मुकेश अम्बानी जी एक बिजनेसमैन है और मुझे नहीं लगता भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर बने, बल्कि मैं भारत को एक खुशहाल देश बनाना चाहता हूँ। इसी बात से पता चलता है कि रतन टाटा जी अपने देश के प्रति कितने जुड़े हुए हैं और इसी वजह से उन्हें पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008 जैसे अवार्डों से सम्मानित किया गया था और अब उन्हें भारत रत्न मिले, ऐसी इच्छा भारत के लोगों से व्यक्त की जा रही है। वैसे तो उनकी लाइफ से सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर उन्हें हम फॉलो करें तो सक्सेस के साथ साथ रिस्पेक्ट, नम्रता, इंसानियत जैसे गुण हमें सीखने को मिल जाएंगे।
रतन टाटा जी की अगर पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो उन्हें प्राणियों से बहुत प्यार है। उनके पास दो कुत्ते हैं जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और साथ साथ जब भी बारिश होती है तो एरिया के सारे कुत्तों को वो अपने घर में ले लेते हैं। उन कुत्तों के लिए कई छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाए हैं जिनमें वो आसानी से रह सके। रतन टाटा जी एक पायलट भी हैं और उन्हें प्लेन उड़ाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। रतन टाटा जी AF-16 फैल्कन एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने इस प्लेन को 61 साल की उम्र में उड़ाया था। रतन टाटा जी ने जिंदगी भर शादी नहीं की, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल जब वो अमेरिका में थे तब उन्हें अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया था और उन्होंने भारत में आकर शादी करने का भी फैसला कर लिया था। लेकिन एक दिन उनकी दादी का फ़ोन आया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं अब जी नहीं पाऊँगी, तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ। तब रतन टाटा जी ने उस लड़की के माता पिता से पूछा, क्या मैं इसको ले जा सकता हूँ अपने साथ? लेकिन उस वक्त इंडिया और चाइना के बीच युद्ध चल रहा था, इसी वजह से उनके माता पिता ने उन्हें परमिशन नहीं दी। फिर रतन टाटा जी भारत आ गए और उस लड़की के माता पिता ने उसकी शादी करा दी। यह सुनकर रतन टाटा जी को बहुत शौक लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लॉयल्टी कायम रखी और आज तक शादी नहीं की। इतनी सारी क्वालिटी वाला व्यक्ति सच में हमारे देश का कोहिनूर है, और रतन टाटा जी के बारे में कितनी भी बातें की जाए और उनसे सीखने को कितना भी मिले वो सब कम पड़ेगा, और रतन टाटा जी पूरी तरह से भारत रत्न के काबिल हैं। खैर दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहिए ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ, मैं शशांक सिंह आपसे अलविदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।